मेरा नाम है हार्दिक और आपका एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताऊंगा जिसे जब आप अपने पौधों में यूज करेंगे तो जो आपकी बोन मील की कमी होती है वो ये फर्टिलाइजर खत्म कर देगा। इस खाद से हमारे पौधों को मिलेगा क्या, जो मेनली जो इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में जो पोषक तत्व है वो है फास्फोरस और कैल्शियम और जो भी ऑर्गेनिक। आपको अगर मार्केट से आप फास्फोरस कैल्शियम परचेज करते हो तो वो आपको बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है, पर इस वीडियो में आपको बिल्कुल सस्ता और होममेड हम बताएंगे कि फास्फोरस और आप कैल्शियम कैसे घर पे ही बना सकते हो। जो लोग बोन मील का यूज नहीं कर सकते, बोन मील का मतलब जो हड्डियों का चूरा होता है वही बोन मील होता है, तो कई लोग उसे यूज नहीं करते वेजिटेरियन लोग, तो उनके लिए भी ये खाद बहुत बोन मील का तगड़ा काम करेगी। बोन मील के लेवल की ये खाद है। तो चलिए बात करते हैं इस खाद को कैसे बनाना है। इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो सबसे पहली जो चीजें हैं वो हमारी लेनी वो है सोयाबीन के बीज। तो सोयाबीन के बीज जो आपको कितने लेना है, तो ये लेना है आपको 100 ग्राम, और ये आपको मार्केट में कितने मिल जाएंगे, कितने रुपए में मिल जाएंगे, आपको मार्केट में 12 रुपए मिल जाएंगे 100 ग्राम। और इसके अंदर बात कर लेते हैं कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। इसके अंदर फास्फोरस कैल्शियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये आपको ले लेना है 100 ग्राम। और जो अगली चीज जो आपको लेनी है वो है सफेद तिल। सफेद तिल भी आपको सेम 100 ग्राम लेना है, ये भी आपको 12 से 13 रुपए में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और इसके अंदर जो चीज पाई जाती है वो है कैल्शियम और फास्फोरस, इसके अंदर काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके बाद जो आपको चीज लेनी है वो है मखाने। मखाने आप जानते ही होंगे व्हाइट वाले, इसके अंदर काफी सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके अंदर फास्फोरस तो होता ही, और साथ ही साथ फास्फोरस कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम और मैग्नीज भी इसके अंदर काफी मात्रा में होता है, ये भी एक शानदार खाद है। अब बस आपको क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से एक पीस लेना है। तो सबसे पहले ले लेना आपको मिक्सर का जार, और मिक्सर का जार लेने के बाद आपको इसके मिक्स को अच्छे से एकदम पीस देना है। क्या करना है, जो है हमारा मिक्स है अभी आपको इसे पीस लेना है एक बार मशीन के अंदर। तो अब हमने इस खाद को मिक्सर में अच्छे से पीस लिया, और अब आप देख सकते हैं कितनी सारी हमारे पास ये खाद बन के आ चुकी है। बिल्कुल आपको बारीक बारीक पीसना है, आपको थोड़ी देर तक मिक्सर को चलाना है और एकदम इस खाद को बारीक बारीक पीस लेना। आप देख सकते हैं कितनी सारी खाद आ चुकी है। बात करते हैं इस खाद को अपने पौधों में कितना यूज करना है, कैसे अपने पौधों में डालना है। सबसे पहले आपको जब भी आप कोई खाद का इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे वो आपकी पौधे की मिट्टी पोरस भी बनी रहे और अच्छे खासे उसके अंदर ऑक्सीजन जाए और आपकी खाद भी जल्दी से मिक्स हो जाए। तो बात करते हैं इस खाद को डालने का तरीका क्या है। तो इस खाद को डालने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है, बस इसके कोने में या आप एक ऐसा गड्ढा कर लीजिए छोटा सा, और उसके अंदर आपको इस खाद को डालना है एक चम्मच, पूरे एक चम्मच आपको इस खाद को डालना है। मैं ये भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको किस साइज के गमले में कितनी खाद डालनी है और इसको दबा देना है। और एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे मिट्टी में ऐसे ही इस चम्मच के कारण एक चम्मच इस खाद को डाल दे और फिर वापिस से गुड़ाई कर दे। दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करते हैं कि किस साइज के गमले में इसको डालना है। तो इस अगर आपका गमला 10 से 12 इंच का है तो आप उसके अंदर एक चम्मच ले सकते हैं, और 15 इंच से ऊपर यानी 20-25 इंच का है तो आप उसके अंदर 2 चम्मच यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं इस खाद को डालना मतलब कितने दिनों के गैप्स का है, तो आप 15 दिनों में तो आप अपने पौधे में खाद डालते ही है, तो उस खाद के साथ आप ये खाद भी जरूर से इस्तेमाल करिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको अपने पौधों में देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो से आपको अपने गार्डनिंग में कुछ हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो।